आपके सहयोग के बिना हम इस रोड का निर्माण कराने में असफल साबित होंगे। आपका सहयोग होगा तो हम झुग्गी वालों को विस्थापित करेंगे, हम किसी को बेघर नहीं करेंगे, हम किसी को। ये बयान सरकार की मंत्री कृष्णा गौर का है। 4 अप्रैल 2023 को भोपाल में खजूरी रोड के भूमि पूजन के कार्यक्रम में गोविंदपुरा विधानसभा सीट की तत्कालीन विधायक और वर्तमान में डॉक्टर मोहन सरकार की राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने झुग्गी वासियों से लुभावने वादे किए थे। अस्थायी रूप से झुग्गियों में रह रहे इन लोगों से सरकार ने वादा किया था कि यदि उनका मकान टूटा तो उन्हें दूसरा मकान मिलेगा, लेकिन रविवार को जिला प्रशासन और निगम की बुलडोजर कार्रवाई में विस्थापित किए बिना ही करीब 100 घरों को जमींदोज कर बेघर कर दिया गया। हम लोग को झेर ला के दे दो, हम लोग सब पब्लिक झेर खा लेंगे, मर जाएंगे, फिर आप लोग अपना ऐश कर लेना और अच्छा वोट ले लेना। हम जनता से वोट लेते और हम जनता को कीड़ा मकोड़ा समझते। प्रशासन ने रविवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पिपलानी से खजूरी को जोड़ने वाली 100 क्वार्टर रोड से करीब 100 झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया है। सड़क चौड़ीकरण के चलते इन्हें हटाया गया है। लोगों ने आरोप लगाया कि बिना किसी सूचना के उन्हें बेघर कर दिया गया। लोगों का दावा है कि 100 परिवार बेघर हो गए हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि सिर्फ 84 झुग्गियों पर ही कार्रवाई की गई है। हमारा बेटा नहीं है, बेटा खत्म हो गया, जवान बहू है, बेटी है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम रोड पे आ गए सर, हमको क्षेत्र का बदला चाहिए। लाडली बहनाओं को तो आपने घर से बेघर कर दिया ना, काय की लाडली बहना है? इन लोगों को वोट चाहिए सर, हाथ जोड़ जोड़ के आए, आज कोई नहीं आया, कल से हमारे पास कोई नेता नहीं आया। हमारे एरिया का जो पार्षद है उसको तो हमने देखा ही नहीं कि वो जिंदा भी है या मर गया, वो भी नहीं आया। सबने मिलके सर ये सब चाल चली, कमलनाथ भी आए, वो कौन आए थे, दिग्विजय सिंह, उन लोगों ने भी आश्वासन ही देके गए ना सब, किया किसी ने कुछ नहीं सर, सबने हमें उम्मीद दी सर, सहारा किसी ने नहीं दिया। भदभदा झुग्गी के 386 मकानों पर बुलडोजर चले अभी 10 दिन भी नहीं बीते थे कि अब राजधानी भोपाल के पिपलानी क्षेत्र के खजूरी कला रोड पर करीब 100 झुग्गियों पर एक बार फिर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। 100 घर पूरी तरह से जमींदोज कर दिए गए हैं। इन 100 परिवारों का ये कहना है कि बिना किसी नोटिस और बिना किसी पूर्व के सूचना के इन मकानों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसके कारण अब लोग घर से सामान तक बाहर नहीं निकाल पाए। लगातार राजधानी भोपाल में झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, परिवारों को बेघर किया जा रहा है। हालांकि परिवारों का कहना है कि इन्हें पहले कोई मकान की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था नहीं की गई और इनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसके कारण अब यह लोग सड़क पर आ गए हैं और बेघर हो गए हैं। हम लोगों को घर से बेघर कर दिया, हमारे बच्चे सारे रोड के ऊपर आ गए हैं। मैडम ने बोला था कृष्णा गौर ने, हम तुम्हें मकान देंगे, मकान के बदले मकान देंगे, चाबी देंगे, आपको घर से बेघर नहीं करेंगे, और कृष्णा गौर ने हम लोगों को घर से बेघर कर दिया, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे, वो पुलिस वालों को बोलने जा रहे थे, पुलिस वाले लट बरसा रहे हम लोगों के ऊपर, ना नेता सुन रहे ना पुलिस वाले सुन रहे, हम जनता करेंगे क्या, क्या करेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे खेल तो रोड के ऊपर आ गए, कल परसों से खाने को नहीं, हमारे बच्चों को खाने को नहीं मिला, भूखे प्यासे बैठे हुए, हमारे बच्चे बीमार पड़े हुए, एक बहन आईसीयू रूम में भर्ती है, हमारी बहन को कल का कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसने तो टेंशन लेके आईसीयू रूम में भर्ती हो गई है। आश्वासन दिया था हम लोगों को, आप लोगों को देंगे, और हम लोग की कोई सुनाई नहीं हो रही है, ना नेता लोग सुन रहे हैं, ना हमारे इधर का पार्षद सुन रहा है, कुछ कोई भी नहीं सुनाई हो रही हम लोग की। हमारे तो बच्चे रोड के ऊपर बैठे हैं ना, खाने से मोहताज हो गए हम लोग, बताओ करे तो हम लोग क्या करें? या फिर हम लोग को झेर ला के दे दो, हम लोग सब पब्लिक झेर खा लेंगे, मर जाएंगे, फिर आप लोग अपना ऐश कर लेना और अच्छा वोट ले लेना, हम जनता से वोट लेते और हम जनता को कीड़ा मकोड़ा समझते। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी थी, रोड के आधा किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर रोका गया था। यहां प्रशासन के अलावा अन्य किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई थी। दमूक नायक की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक यहां के घर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके थे।
कुछ लोग अपनी गृहस्थी के सामान को निकाल रहे थे तो कुछ लोग मलबे से ईंट निकाल रहे थे। भैया मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, अब दो तीन दिन से मेरे खाना भी खराब हो गया। ये बना थोड़ा बहुत मैं काम करती थी, घर बनाया बड़ा ये मत रह रही मैं, अभी कहाँ जाऊंगी मैं। मेरे को किसी का सहारा नहीं है। कल तोड़ने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया हम लोगों को, बैरिकेड लगा दिए गए पहले से ही, ना आप जैसे कोई आ पाए हमारा इंटरव्यू लेने और ना हमारे रिश्तेदार हमारे तक पहुंच पाए कि हमें दो मिनट पूछ ले कि पानी है कि खाना है, कुछ नहीं। और हमें सुबह से लेकर शाम तक कोई खाने की व्यवस्था नहीं और कुछ नहीं, और शाम को आके हमें राशन दिया जा रहा है जरा से डब्बे में और 2000 रुपये लिफाफे में दिया जा रहा है। सर हमें ना लिफाफा चाहिए ना खाना चाहिए, हमने खाली कहा था हमें घर के बदले घर दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, ना हम आपके ऊपर, हमने ना किसी के ऊपर डंडा उठाया ना पत्थर मारे, हमने हाथ जोड़ के सभी से विनम्रता से बात करी लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी अभी तक। और जो कृष्णा गौर ने हम कहा था, हमारे पास उन सबका वीडियो भी रखा हुआ है कि उनने जो कहा था कि आपको मतलब यहाँ से हटाने से पहले आपको घर दिया जाएगा जब यहाँ पे आपकी कार्रवाई होगी और आपको हटाया जाएगा, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कृष्णा गौर ने बोली थी मकान देंगे दुकान देंगे, हाँ बोले, जब वो तोड़ दिए बोले कुछ नहीं दे रहे आप। कृष्णा गौर के घर भी गए थे हम। मोदी जी कहते हैं सबको मकान देंगे, किसी को बेघर नहीं किया जाएगा, कोई विकास नहीं, हमको कुछ भी नहीं दिया। और कल 5000 रुपये वो क्या लाभ उन लोगों ने वापस कर दिए, क्या जैसे भीख दे रहे। मेरे चार दो घर तीन दुकानें, तीन चार दुकानें हैं। पिछले महीने ही भोपाल की भदभदा जुग्गी बस्ती में प्रशासन ने 386 घरों पर बुलडोजर चलाया था और अब पिपलानी झुग्गी बस्ती के 100 घरों को तोड़ दिया गया है। बीते 2 साल के भीतर प्रशासन ने भोपाल की करीब आधा दर्जन बस्तियों पर बुलडोजर चलाकर घरों को जमींदोज कर दिया, लेकिन इन परिवारों को विस्थापित नहीं किया गया है। दमूक नायक के लिए भोपाल से अंकित पचौरी की रिपोर्ट। दमूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है, यह संविधान लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं दमूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।